दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ये Redmi 9 Prime मोबाइल है और इसमें चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। इसमें फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है और कभी कभी तो ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो प्रॉब्लम है पहले आपको दिखा देता हूँ। अभी जो स्थिति बन रही है वो चार्ज भी अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और कभी कभी कनेक्ट हो तो रहा है लेकिन ये चार्ज आगे नहीं बढ़ रहा है और किसी किसी डाटा केबल से चार्ज हो रहा है और धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैंने दिखाई दिया है, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल भी एम्पियर नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर इस मोबाइल को ओपन करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके से आप, अलग अलग तरीके हैं सभी के, हम किस तरीके से इसको ओपन करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं आप बता देना, चलिए बता देता हूँ। तो इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर गैप बन जाएगा, तो इस तरीके से मैं खोलता हूँ। आपके पास कोई टूल है तो टूल की हेल्प से खोलिएगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नाखून से ही खोलें, नाखून टूटने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ किसी अच्छे टूल से आप इसको ओपन कीजिएगा। अब मैं किस तरीके से खोलता हूँ वो मैंने आपको बता दिया, अब आपको ऐसा लगे तो इसी से ही आपको खोलना है। देखिए यहाँ पर ये दो पत्ते हैं, ये पत्ता आपका डिस्प्ले का है और ये वाला पत्ता आपका इस सेक्शन का है। इस सेक्शन में जो भी चीज़ें लगी हैं इस पत्ते के थ्रू यहाँ पर एक काम कर रहा है। यहाँ पर हेडफोन जैक, चार्जर, माइक और इसमें स्पीकर है, मोटर भी यहीं पर है। तो इन सब सेक्शंस को चलाने के लिए यहाँ पर इस पत्ते का यूज किया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ सेक्शन हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। सेक्शन को मैंने खोल लिया है और यहाँ पर देखिए पत्ता लगा हुआ है, इसको सबसे पहले मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और एक सेकंड में इसको भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले तो हमें इसको साफ करना है, देख लेना है कोई टूटा वूटा तो नहीं है और कोई कार्बन तो नहीं लगा, इसको साफ कर लेना है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है ये जैक से आता है, जैक की स्थिति देखने के लिए इसको यहाँ पर इस तरीके से हमने खोल के देख लेना है। एक स्क्रू यहाँ पर होता है, एक एंटीना का कनेक्टर आपको मिल जाएगा, इसको हटा के इस तरीके से आप अलग कर लीजिएगा। इस स्क्रू को आपको इस तरीके से अलग कर लेना है और यहाँ पर इसको खोल के आपने चेक करना है कि स्थिति क्या है इसकी, जग का पॉइंट घिसा हुआ तो वगैरह तो नहीं, वो देख लेना है। घिसा हुआ तो लग रहा है लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यही खराब है, फिर भी हम एक बार, सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम देखेंगे, आई टेस्टिंग करेंगे कहीं पर कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है या फिर कोई ट्रैक गला तो नहीं है, ये हम देखेंगे। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्फिनिक्स का मोबाइल था जिसमें फेक चार्जिंग बता रहा था, उसका प्रॉब्लम अलग था, उसका भी एक बार वीडियो देख लेना। उसमें एक जगह पे ट्रैक गला हुआ था तो उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर भी आप सीख जाओगे। देखिए फेक चार्जिंग किसी भी सेक्शन से आ सकती है, जैक से आ सकती है, ये पत्ते में कहीं ना कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम उससे आ सकती है, ये पत्ता आपका ख़राब उससे प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ पर चार्जिंग ऐसे उससे प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक चीज़ें आपने देखनी है, बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साफ वगैरह करके एक बार देख लेता हूँ। चलिए एक बार इसको कनेक्ट करके देखते हैं। स्थिति क्या है? नो, एक सेकेंड, एक बारी यहां पर आया और चला गया। ओ ये देखिए इसने पकड़ा और छोड़ दिया, ये पकड़ा और छोड़ दिया, यही प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बता रहा था। ऊपर देखें आप, आपने शायद यहां पर लोगो बना हुआ देखा चार्जिंग का, इसने पकड़ा और छोड़ दिया, ये देखिए बीच बीच में देखिए पकड़ रहा है और छोड़ दे रहा है। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम बन रही थी इस पर, आप ऊपर देखें किसी किसी में पकड़ रहा है और छोड़ दे रहा है। तो यहां पर एक काम मैं करता हूं, इसका जो है न्यू वाला डाल के देखता हूं, ठीक है पत्ता। तो एक ऑलरेडी है मेरे पास, चेक करेंगे इसको डाल के, सेम ही है देख लेना,
कोई अलग आप मत डालना, जो भी इसमें फिट हो वही आपको यूज करना है, क्योंकि तो सभी की वायरिंग अलग अलग होती हैं। तो चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या इससे काम बन जाएगा। अगर इससे काम बन जाता है तो फिर मैं यही वाला डाल दूंगा, नहीं तो फिर हम इसको नहीं यूज करेंगे। इसके आप देख रहे हैं एक सेकेंड, इससे भी काम नहीं बन पा रहा है, कोई फायदा नहीं इसको डाल के। पर बहुत सारी मशक्कत करने के बाद इस फॉल्ट को यहां पर मैंने फाइंड कर लिया है, फॉल्ट कहां से। देखिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जब आप इसको रिपेयर कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आ रही हो और नया वाला पता लगा के देखें और उसके बाद भी सॉल्यूशन ना हो पाए तो फिर आपको ये स्टेप फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। मैं तो नया था मेरे पास, मैंने चेक किया, इससे भी वही समस्या बन रही थी जैसा कि इसमें हो रहा था। अब बड़ी समस्या जब यहाँ पर थी तो हमने इसको सॉल्व करना ही था, हमारे लिए एक चैलेंज ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर से देखिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तब आप प्रॉपरली समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए जब हम इस तरीके से कनेक्ट करें तो 5 वोल्ट यहाँ पर जैक से हमारी इस कैपेसिटर तक आनी चाहिए, ये छोटा सा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। ये है कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट, ये वाला पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। तो इस पर हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए जब इस तरीके से आप कनेक्ट करें। और ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये ग्राउंड या कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल आपका ग्राउंड पर जुड़ा रहता है, या फिर आप इसमें मदरबोर्ड के इस इधर इधर पे ग्राउंड ले सकते हैं। तो इसमें 5 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए थी, जब मैंने चेक करी तो 5 वोल्ट यहां पर मिल रही थी। आपको दिखाऊं, देखिए 5 वोल्ट यहां पर मिल रही है। आपको थोड़ा सा और इस तरीके से मैं पूरा दिखा देता हूं, देखेंगे तो इस कैपेसिटर मुझे 5 वोल्ट मिल रही है। अब भाई कैपेसिटर पर 5 वोल्ट मिलने का मतलब है कि हमारा जैक प्रॉपरली काम कर रहा है, जैक में कोई भी प्रॉब्लम घिसा भी है तो काम कर रहा है, कंफर्म हो गया। अब भाई जैक सही है और यहां तक ये बोर्ड में भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे है देखिए, या तो इस पत्ते में है प्रॉब्लम, या तो यहां से अंदर ही अंदर कोई और प्रॉब्लम है, या तो आईसी का प्रॉब्लम है या तो कुछ और प्रॉब्लम है। अब इसको फाइंड करने के लिए जब मैंने इसका सिमेटिक देखा तो सिमेटिक में मुझे यहां पर इस पॉइंट पे है ना 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि यहां से चल के इस पॉइंट पे आनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं मिल रही थी। देखिए आपको मैं दिखाता हूं, 5 वोल्ट नहीं मिल रही है। और 5 वोल्ट देखिए मैं इस पत्ते को पहले हटा देता हूं, तो ये देखिए यहां से जो पॉजिटिव हमारा चला वो यहां पर आता है, देखिए इस तरीके से आपको दिखाऊं, इधर पे 5 वोल्ट आता है वहां से, और ये जो है इधर इससे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। मैं आपको बजर मोड में दिखा देता हूं एक बारी, बजर मोड में दिखा देता हूं, तो ये देखिए ये पॉइंट इधर से जुड़ा हुआ है और ये जो पॉइंट है हमारा ये पत्ते के थ्रू यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, जो कि यहां पर काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर भैया 5 वोल्ट जब नहीं मिली तो मैं समझ गया कि यहां पर हमने 5 वोल्ट जम्पर के थ्रू बनानी है। जैसे इसमें हम 5 वोल्ट देंगे तो आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन 101% हो जाएगा। अगर आपके केस में यहां पर 5 वोल्ट आ रही है तब आपको ये नहीं करना है। अगर यहां पर 5 वोल्ट नहीं मिल रही है तब आप इस कैपेसिटर से एक जम्पर देंगे। मैं वैसे ही अभी एक छोटा सा जम्पर बना के आपको दिखा रहा हूं, यहां से इस कैपेसिटर से हमने 5 वोल्ट इस पॉइंट पे देनी है फिलहाल ही चेक करवाने के लिए। आप एम्पियर चेक करना, ठीक है। ये पुराना वाला ही हमारा पत्ता है, उसी से ही आपको दिखा रहा हूं, नए पत्ते को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें भी वही समस्या आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, आप सामने देख सकते हैं 1.2 एम्पियर। अभी देखिए अभी तो मोबाइल स्विच ऑफ है, हमने बैटरी भी उठाई थी ना, तो कुछ सेकंड्स बाद आप देखिएगा जब मोबाइल प्रॉपर चार्ज करना स्टार्ट करेगा तो वहां पर प्रॉपर, हाँ देखिए अब देखिए 2.2 एम्पियर लेना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब अब ये कोई भी ऐसी समस्या नहीं बनाएगा, सामने देख सकते हैं 2.2 एम्पियर यहां पर ये लेना स्टार्ट कर रहा है। जैसे मैं छोड़ता हूं इसको चला गया एम्पियर, अब एम्पियर नहीं ले रहा है। तो यहां पर हमने 5 वोल्ट इस कैपेसिटर से जंप करनी इधर तक, बस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 101% हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से जंपर आपको मार के दिखाता हूँ। जंपर मारने के लिए जंपर वायर का इस्तेमाल करें। जंपर वायर एक बहुत ही सेफ वायर होती है जंपर मारने के लिए। ये जो है इस तरीके की होती है, ये कोडेड होती है वायर, और ये ओपन वायर नहीं होती है, कोडेड वायर होती है। और ये जो वायर है आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, ओपन वायर का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं पर भी ओपन वायर का इस्तेमाल करते हैं
तो फिर प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल आएगी। ओपन वायर से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं और इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे जगह जगह पर जहाँ पर इसके टच होने के चांसेस रहते हैं, उस पर हम हल्का सा टेपिंग कर देंगे ताकि ये ग्राउंड पे टच ना हो किसी भी सूरत में। ग्राउंड पे टच होती है तो फिर प्रॉब्लम कर सकती है। तो देखिए अब आप कि किस तरीके से फॉल्ट को फाइंड किया जाता है। हाँ, सिमेटिक टूल की भी हेल्प लेनी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि बिना सिमेटिक के हमें मालूम नहीं चल पाता कि बोर्ड पे कहाँ पर कितनी वोल्ट मिलनी चाहिए। तो इसमें इस जम्पर वायर को मैं कनेक्ट करता हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, इस फॉल्ट को फाइंड करने के लिए मुझे लगभग 15 से 20 मिनट लेने पड़े और बहुत ही ध्यान से रीड करके इस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन करना पड़ा। तो जम्पर वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। देखिए एक वायर कनेक्ट कर ली है और ये वायर यहीं से होते हुए हमारी इस कैपेसिटर पे चली जाएगी, इस कैपेसिटर के उस पॉइंट पे जिसमें मैंने आपको बताया था। वायर को हल्का सा है ना ढीला छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा टाइट मत रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना वो टाइट वायर जो है ना वो अलग हो सकती है, तो वायर को हल्का सा ढील जरूर दीजिएगा। तो देखिए जम्पर लग चुका है, अब बैटरी को मैं कनेक्ट करता हूं और देख लेना कहीं पे टच तो नहीं हो रहा है ग्राउंड पे, देख लेना इसी तरीके से। और इसको मैं अभी चार्ज करता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ एम्पियर लेना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर रेडमी लिखा हुआ आ गया और वेट करेंगे। 44 अभी परसेंट था ना कुछ देर पहले जब आपने देखा स्टार्टिंग में, 45 पे आ गया। अब प्रॉपर वहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये एम्पियर लेना स्टार्ट कर रहा है प्रॉपर एम्पियर। धीरे 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 एम्पियर जो इसमें केबल लगाएंगे उस हिसाब से फास्ट चार्ज सुपर फास्ट अपने हिसाब से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये दो तीन मे बी सुपर फास्ट या फास्ट पे काम करता है। तो देखिए अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है, इसको मैं डिसकनेक्ट करता हूँ फिर कनेक्ट करूँगा, कोई ऐसी शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर से कुछ देर बाद देखिए, देखिए हो गया ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इसे मैं पैक कर लेता हूँ। पैक करने से पहले मैं एक बार और यहाँ पर हल्का सा टेप लगाऊंगा, कहाँ पर, इस वायर के जस्ट नीचे, इस वायर के जस्ट नीचे, क्योंकि इधर पे ना ग्राउंड का भी पॉइंट है, उस वायर के जस्ट नीचे मैं लगा लूंगा ताकि ये ग्राउंड से टच ना हो। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ग्राउंड से टच होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट बनेगा और शॉर्ट सर्किट जब बनता है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि वैसे तो वायर ओपन वायर नहीं होती है, कोडेड वायर होती है, फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा सेफ्टी से काम करेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इधर पे एक स्क्रू लगना है, उसके बाद मैं इसको पैक कर लूँगा प्रॉपर तरीके से। चलिए पैक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे फिट कर लिया है, अब आपको एक बार ये और चेक करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगा। तो वेट कीजिए, अभी प्रॉपर एम्पियर नहीं दिखाए गए, अब दिखाना स्टार्ट करेगा। एम्पियर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, 0.6 एम्पियर पे है और वेट करेंगे। देखिए प्रॉपरली 1.3 पे चला गया और धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया गया है हमारे द्वारा। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोज हम बनाते रहेंगे और आपको कुछ नई टिप्स ट्रिक्स देते रहेंगे ताकि आप लोगों को है ना ये काम जो है ना आसानी से आ सके और आप जो है कुछ नई चीज़ें हमारे द्वारा सीख सकें। वैसे तो हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं, कुछ नए नए बताते रहते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा इजी तरीके से बता सकें। और हाँ एक चीज़ मैं आपको साथ में और बता दूँ, अगर आप इस तरह की जम्पर नहीं लगाना चाहते तो आप एक बार इस पत्ते को चेंज करके देख लेना। काफ़ी बार है ना पत्ते को चेंज करने से भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, पत्ते में कार्बन आ जाता है, फिर इंटरनली कहीं ना कहीं पत्ता ब्रेक हो जाता है या फिर जल जाता है वो ट्रैक हाई लोड की वजह से, ज़्यादा लोड की वजह से बहुत बार ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो वो चीज़ ज़रूर देख लेना। 45 धीरे धीरे बढ़ेगा ये,
चलिए सारे स्कूल करता हूँ, फिर आपको दिखा दो कुछ क्वेश्चन बड़ा कि नहीं। तो यहाँ पर परसेंटेज देखिए 46 हो चुका है, तो इसका मतलब ये स्टोर अब कर रहा है। चलिए कुछ स्क्रू और बचे हैं, उन्हें कस के मैं पैक कर दूंगा। चलिए वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।